वेलकम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गाइड यूट्यूब चैनल और पाइए मेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सो स्टूडेंट्स जो भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो हजार इक्कीस बाईस में जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है और यहां पर देखिए फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग पूर्ण रूप से यहां पर कंप्लीट हो चुकी है जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग है और फर्स्ट राउंड में पर देखिए अपवार्ड मूवमेंट होता है वो भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है अब यहां पर बारी है सेकेंड राउंड काउंसिलिंग की बहुत ही सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया और सेकेंड राउंड काउंसिलिंग में जीएनएम में भाग लेना चाहते हैं काफी सारे डाउट है तो इस वीडियो में हम पूरी अपडेट आपको देंगे कि सेकेंड राउंड काउंसिलिंग की डेट कब से कब तक है और इसका रिजल्ट कब आएगा कब कॉलेज में पहुंचना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है क्या फीस काफी सारे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में भाग लिया था और वो सेकंड में भाग लेना चाहते हैं तो क्या उनकी फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी इन तमाम प्रकार के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट जो सेकंड राउंड में भाग लेना चाहता है वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर सभी को पता है फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग की तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है बारह अप्रैल से यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसिलिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट बारह अप्रैल से सेकेंड राउंड काउंसिलिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और यानी कि जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड वालों की जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उन उनकी जब देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाले जिन्हें कॉलो जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो क्या सेकंड में भाग ले सकते हैं जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट आप सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट ले सकते हो और आपकी फ़ीस नहीं लगेगी जी हाँ आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो नहीं लगेगी क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो सीधे सेकेंड राउंड में भाग लेना चाहते हैं उनकी यहाँ उनको यहाँ पर देखिए काउंसलिंग की फ़ीस पे करनी होगी तो वो यहाँ पर सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपडेट में दे देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए रेडी रखने कौन कौन से एडमिशन के लिए रेडी रखने बाकी आपके पूरे जो है डेट लास्ट डेट बताऊँगा और साथ ही इस वीडियो में कॉलेज अलॉटमेंट सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग है यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है बारह अप्रैल से यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो आपकी शुरू हो रही है इसमें आपको पार्टिसिपेट लेना है आप यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट जो निकाली थी वो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि आपको जो है मतलब काउंसलिंग के समय रिपोर्टिंग के समय भी आपके काम आएंगे साथ ही आपको यानी कि काउंसलिंग के समय भी काम आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है जो भी सेकेंड राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं यहाँ पर देखिए बारह अप्रैल से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो अभी डाउनलोड कर लीजिए मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है कि आपकी कौन सी रैंक आई है आप अभी से आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है दूसरी बात आपके पास यानी कि आपके पास होना चाहिए फॉरम की जो आपकी आईडी है आपने जो फॉरम की आईडी मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो आपको पास जो अपलिकेशन फॉरम नंबर है वो आपके पास होना चाहिए उसे ID बोलते हैं और दूसरी बात आपके आपके पास पर होनी चाहिए की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए साथ ही ट्वेल्थ की ओरिजिनल मार्कशीट और इनकी फोटोकॉपी आपके पास यहां पर होनी चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के समय भी काम आएंगे सेकंड राउंड वालों के लिए स्पेशल है और यहाँ पर देखिए साथ ही आपके पास होना चाहिए कौन सा यानी कि आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र या और मूल निवास प्रमाण पत्र दोनों आपके पास होना चाहिए और की फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए अभी से रेडी रख लेना जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर बना हुआ नहीं है तो स्टूडेंट ये तमाम प्रकार के और, और माइग्रेशन ये तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है इन ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है अभी एडमिशन के लिए और अभी आपको मैं बताऊंगा कब कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है सबसे पहले यहां पर कोई भी अगर आपके दिक्कत हो तो यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क तो दे रखी है अभी नोट कर लेना यहां पर आप कॉल कर भी सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो आप यदि कोई भी प्रॉब्लम आए जे से संबंधित और यहाँ पर देखिए सेकंड राउंड का टाइम टेबल आपको चेकआउट कराते हैं जो पुराना शेड्यूल यहाँ पर जी का जारी किया था उसमें सेकंड राउंड यहाँ पर जो है उसी के अनुसार यहाँ पर जो है आपका प्रोसेस चल रही है जी एन एम की काउंसिलिंग की तो सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देखिए आपको पता है हम ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे चलते हैं तो ये देखिए ये लास्ट नोटिफिकेशन ये प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट यानी कि जिन स्टूडेंट ने अपवार्ड मूवमेंट में भाग लिया था उनकी यहाँ पर ये प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट और यानी कि अपवार्ड मूवमेंट वाला कंप्लीट हो चुका है काम अब सेकेंड राउंड की बारी है यहाँ पर जो कि 12 अप्रैल से यहाँ पर ही स्टार्ट होने जा रही है 12 अप्रैल से आप करवा सकते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पर ये देखिए ये जो आपके फर्स्ट राउंड वालों वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये आपको देखिए पूरी सूची यहाँ पर दे रखिए और जो भी स्टूडेंट कॉलेज के बारे में यानी कि पर, प्रथम राउंड काउंसलिंग ये देखिए प्रथम राउंड पूरी अपडेट यहाँ पर प्रथम राउंड है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो भी स्टूडेंट कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं यहाँ पर देखिए सभी नोटिफिकेशन है कॉलेज की लिस्ट और यहाँ पर देखिए पूरी अपडेट यहाँ पर दी हुई है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो अपनी पूरी डिटेल की और जानकारी प्राप्त करने के लिए राह स्वास्थ्य विभाग पे तो चलिए सबसे पहले आपको शेड्यूल दिखाते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग का सो स्टूडेंट शेड्यूल आपके सामने जो राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पुराना शेड्यूल जारी किया था उसी के आधार पर यहाँ पर देखिए प्रोसेस चल रही है पूरी और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सेकेंड राउंड ये थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पूरा पता चल सके तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग इन कॉलेज यानी कि जो अपार्ड मूवमेंट था इसकी रिपोर्टिंग ग्यारह अप्रैल तक थी तो स्टूडेंट आपको पता है ग्यारह अप्रैल तक थी और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन फॉरम स्टार्ट डेट सेकेंड राउंड और देखिए बारह अप्रैल से लेकर अट्ठारह अप्रैल तक यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग चलने वाली है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बारह अप्रैल से लेकर अट्ठारह अप्रैल तक के मध्य आप

काम चल रहा है सेकंड राउंड यानी कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाली है तो जो भी स्टूडेंट इस शो का सेकंड राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया वो सेकंड में भाग ले सकते हैं यहाँ पर और जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना जो मैंने बताएं वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए यदि आप वाकई में एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनएम कोर्सेज में स्टूडेंट्स यह वीडियो आपके लिए फिलहाल इ... अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए क्योंकि प्रत्येक अपडेट मेडिकल से रिलेटेड चाहे बीएससी नर्सिंग हो पैरामेडिकल हो फार्मेसी हो प्रत्येक अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम